नमस्कार दोस्तों, अगर आप GA55 निकालना चाहते हैं अपने पे मैनेजर से, लेकिन जब आप पे मैनेजर को खोलते हैं और पे मैनेजर आपका खुल नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? साथियों, वैसे तो पे मैनेजर को अगर आप पहली बार खोल रहे हैं तो उसमें पासवर्ड में बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट डालने होते हैं, उसी से पहली बार ओपन होता है। लेकिन आप पहले कभी ओपन कर चुके हैं और आपने नए पासवर्ड क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन अब आप भूल गए हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आपका पे मैनेजर नहीं खुल पा रहा है, आप GA55 पे स्लिप वगैरह कुछ भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ये तरीका मैं आपको आज बताऊंगा कि आप कैसे अपने पे मैनेजर के पासवर्ड को वापस से रीसेट करें। तो लीजिए शुरू करते हैं ये प्रोसेस। मैं हूँ सुनील जैन और आप देख रहे हैं फुल सुंदर एजुटेक। चलिए सीखते हैं कुछ नया। साथियों, यहाँ मैं आपसे अभी ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है कि चैनल पर डाले गए वीडियो में जो जानकारियाँ हैं वो उपयोगी है, आपके काम की है, तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ब्राउज़र को खोलें और इसमें आप टाइप करें पे मैनेजर। पे मैनेजर टाइप करके आप इसको सर्च करें। सर्च करने पर ये पे मैनेजर की साइट दिखाई दे रही है, इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने पर ये ऐसा पेज ओपन होगा। अब देखिए, आप यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, फॉरगॉट पासवर्ड एम्प्लॉय लॉगिन। अगर आपका पे मैनेजर नहीं खुल रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करें। अब ये ऐसी स्थिति आपकी यहाँ पर बनती है। यहाँ आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है, एम्प्लॉय आईडी, आप यहाँ पर अपनी एम्प्लॉय आईडी डालें। नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ आप अपने बैंक अकाउंट नंबर डालें, जो आपका सैलरी अकाउंट है उसके अकाउंट नंबर डालें आप। इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें यहाँ पर। इसके बाद मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर डालें जो आपके पे मैनेजर में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, और वेरीफाई कॉन्टेक्ट नंबर, इसको आपको क्लिक करना है। ये देखिए, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है वेरीफाई कॉन्टेक्ट नंबर, इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने पर एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। ये देखिए, ये OTP आ गया है, इसको आप खोलें और यहाँ आप इसको डाल दें। उसके बाद ये देखिए, सबमिट डिटेल्स, इसको आपको क्लिक करना है। ये क्लिक हो गया है और ये लिखा हुआ आ रहा है, पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। ये देखिए, आप पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली मींस आपके पासवर्ड जो हैं वो अब रीसेट कर दिए गए हैं। अब साथियों, आपको क्या करना है, वापस से आप पे मैनेजर की मेन साइट पर जाएं। ये देखिए, यहाँ जाएं और यहाँ से इसे, ये भी डिजिटल पे हो रखा है ये, इसको आपको क्या करना है, यहाँ ये इस पर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक होने के बाद यहाँ आपको अपने आईडी पासवर्ड डालने हैं, जो भी आपकी एम्प्लॉय आईडी है ये डाल दी। अब आप यहाँ पासवर्ड में अपने बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट डाल दें। उसके बाद आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल दें। उसके बाद आपको ये जो DDO पे टिक हो रखा है, इसकी बजाय आपको यहाँ पर एम्प्लॉय पे टिक करना है ये, और लॉगिन कर दें। ये देखिए, लॉगिन करने पर ये आपका पे मैनेजर खुल गया है। अब ये कह रहा है कि यहाँ आपको पासवर्ड क्रिएट करने हैं, चेंज पासवर्ड। अब पासवर्ड की पॉलिसी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रखी है। ये देखिए आप, ये पासवर्ड की पॉलिसी जो दे रखी है, इन रूल्स को आपको फॉलो करना है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ।
पासवर्ड मस्ट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, यानी आपका जो पासवर्ड है वो कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, और पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्मॉल लेटर। पासवर्ड में जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसमें कम से कम एक लेटर जो स्मॉल लेटर भी होना चाहिए। तीसरा इसकी कंडीशन है, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट। आपके जो पासवर्ड बनाएंगे आप उसमें कम से कम कोई भी एक डिजिट होना चाहिए। और चौथी कंडीशन है, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर, यानी कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैज है, एट द रेट है, या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स आपको यूज करना है। तो देखिए अब आप यहाँ पर अपने पासवर्ड क्रिएट करें, जो न्यू पासवर्ड में जैसे अपने पासवर्ड बना लें आप, या वापस से आपको वही पासवर्ड रिपीट करने हैं जो आपने पासवर्ड बनाए हैं कंफर्म पासवर्ड में, और उसके बाद आपको ये जो कोड दिखाई दे रहा है ये कोड ऐसे के ऐसे आप यहाँ पर डाल दें और सबमिट कर दें। सबमिट करने पर साथियों ये एक बार का वापस से आउट हो जाएगा, आपको वापस से री लॉगिन करना है। वापस यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी डालनी है, यहाँ पासवर्ड जो आपने नया पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, और उसके बाद आपको ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है ये डाल देना है। यहाँ वापस से ध्यान रखना है, आपको यहाँ एम्प्लॉय इसको टिक करना जरूरी है, आप इसको टिक करें और फिर लॉगिन पर क्लिक कर दें। तो ये देखिए आपका ये पासवर्ड आपका खुल, ये सॉरी पे मैनेजर आपका खुल गया है। अब ये एम्प्लॉय कॉर्नर जहाँ लिखा हुआ है, ये एम्प्लॉय कॉर्नर, इस एम्प्लॉय कॉर्नर को आप लॉन्ग प्रेस करें तो ये स्थिति आपकी आ जाती है। अब आप यहाँ से जो चाहें आप निकाल सकते हैं, GA 55, मंथली पे स्लिप, पर्सनल डिटेल, जो भी चाहें आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना जो पे मैनेजर है वो आप खोल सकते हैं। मान लीजिए आपका पे मैनेजर नहीं खुल रहा है काफ़ी कोशिश करने के बाद भी, तो आप इस टेक्निक से अगर इसको खोलेंगे तो आसानी से खुल जाएगा साथियों। तो साथियों मैं अब आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वाकई में जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक का बटन दबाएं, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे इस चैनल पर डाले गए वीडियो की जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।